नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है ओम शांति ओम पे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं और अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ दो मिनट की मेडिटेशन के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ चिन्ह या ज्ञान मुद्रा पे और अपने आँखें को बंद करिए। शरीर पे फोकस लाएं, अपनी सांस पे फोकस लाएं। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। जब हम साथ में ध्यान करते हैं, जब हम साथ में मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशंस को तो हाई करते ही हैं, पर हम अपने घर की वाइब्रेशंस, हम इस दुनिया की वाइब्रेशंस को भी हाई करते हैं। तो ये जो हम साथ में मेडिटेशन करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है। अपना ध्यान अब अपने पैर के उंगलियों पे ले आइए। उस ध्यान को अपनी एड़ी पे, काफ पे, नीज पे, थाइस पे, आपके टेबोन पे, पीठ पे, पीठ का नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। ध्यान अपनी उंगलियों पे, पाम्स पे, फ्रिस्ट्स पे, फोरआर्म्स पे, कोनी पे, शोल्डर्स पे, छाती पे। ध्यान आप लाइए अपने चेहरे पे, ठुड्डी पे, लिप्स पे, नोज पे, आईज, फोरहेड। वो जो बिंदु है आपके आईब्राउ सेंटर पे, आपके अजना चक्र पे, वहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। और आप अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको एक रेड कलर, एक रेड हल्की सी लाल सी लाइट दिखती जाएगी। वहाँ पे फोकस करें। ध्यान, आपका ध्यान सांस पे, आपका ध्यान, आपका ध्यान आपके पेट पे, आपकी छाती पे। जो वो सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं और जो सांस बाहर जा रही है। हाथ को जोड़ लीजिए, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज हम बात करेंगे योगा फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट, आपके दिल के लिए योगा, एक फिजिकल लेवल पे और एक इमोशनल लेवल पे भी। क्योंकि जो हम योग करते हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा तो होता ही है। जो आजकल इतने सारे कार्डियक अरेस्ट हो चुके हैं, जो काफ़ी जवान लोगों को भी हो रहे हैं, वो हार्ट को स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही योग, परंतु एक इमोशनल लेवल पे भी। क्योंकि हमारी जो हार्ट के पास जो नाड़ियाँ होती हैं, जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो वो भी एक डिज़ीज़ पे मैनिफेस्ट होती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि जितनी भी डिज़ीज़ होती है हमारे शरीर में, वो होती है ट्रैप्ड एनर्जी। और वो जब एनर्जी ट्रैप हो जाती है तो वहाँ पे डिज़ीज़ मैनिफेस्ट होती है। जैसे हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है और हमको हार्ट अटैक आता है, वैसे नाड़ियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं और हमको इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स दोनों हो सकते हैं। तो योग फिज़िकल
और इमोशनल लेवल को दोनों को टारगेट करता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जो दोनों चीज़ें कर सकता है, ये काम केवल योग करेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाएं। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे एक बहुत सिंपल वार्म अप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी आसन के पहले हमारी बॉडी में हमको थोड़ा सा गर्माहट और लचीलापन लाना ही पड़ता है। तो अब अपने आप घुटने पे आ जाएं और यहाँ पे आप हम लोग कैट काउ पोज करेंगे, मंजरी आसन, बीतल आसन, और आप थोड़ा सा अपने स्पाइन को गरम करें। यहाँ पे बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप मिलना चाहिए। इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आप इसको स्लोली भी कर सकते हैं, जो भी आपके शरीर को आपको अच्छा लगे। और फिर यहाँ हम लोग अब सर्कल्स बनाएंगे, जैसे हम गोल गोल अपनी बॉडी को घुमाएंगे। दूसरी ओर सांस के साथ, और ये सर्कल्स पहले छोटे हो सकते हैं, फिर आप थोड़े से अपने सर्कल्स को बड़े करिए। और फिर से कैट एंड काउ, और फिर से सर्कल्स, पहले छोटे सर्कल्स और फिर बड़े सर्कल्स, दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। इसको आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं, अभी तो हमने दो ही सेट किए हैं, आप इनको इनके पांच सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑल फोर्स में आ जाइए और बॉडी को आगे और पीछे। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो आप अपने घुटने पे भी कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी में है आप इसको करें। ये सब के लिए ये वार्म अप प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं। तब अच्छे से इनको करिए, सांस के साथ करिए। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप घुटने पे करिए इनको, जो भी आपकी कैपेसिटी है। फिर आप वापस आ जाएं नीचे। अब आप अपने पैरों को आगे करिए और हाथ को जोड़िए, और यहाँ से आप अपनी चक्की को चलाएं। इसको हम बोलते हैं चक्की चालन आसन। हम अपने शरीर को अभी भी वार्म अप ही कर रहे हैं, तो गोल गोल घुमाइए अपनी चक्की को। इसको आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं। आप ये मन में रखिए कि आपका जब दिल सेहतमंद होता है तो आपका पूरा शरीर सेहतमंद होता है। इसको दूसरी दिशा में अच्छे से चक्की चलाइए। ये पूरे शरीर के लिए एक वार्म अप प्रैक्टिस है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर हम अपनी नाव को चलाएंगे। इसको आप ऐसे करिए आगे और पीछे। बच्चों को आजकल काफ़ी एक, अगर आपके साथ बच्चे भी हैं उनसे भी कराइए ये सिंपल और फन आसन्स, चक्की चालन और रोइंग द बोट। और फिर वापस आ जाए और आप बैठ जाइए दंडासन पे, हाथ साइड पे, और पूरे शरीर को अच्छे एक सीधी लाइन पे ले आए। अपनी छाती को खोलिए यहाँ पे। जितने भी आसन हैं जो आपकी छाती को खोलते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इन आसनों में आपकी दिल की ओर सर्कुलेशन होता है और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आप पीठ पे नीचे लेट जाएं और यहाँ पे हम सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। आपने हिप्स को ऊपर करें और नीचे, इनहेल हिप्स अप एंड डाउन, हिप्स अप एंड डाउन,
ऊपर और नीचे। और अब हम अपने एक सेतु बंधासन को होल्ड करेंगे, अपने पूरे हिप्स को ऊपर ले जाएं और हाथ को नीचे ले जाके होल्ड। और यहाँ पे आप होल्ड करें, पूरे हिप्स को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे अच्छी तरीके से होल्ड। यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ रहा है, जो खून जो है हार्ट की ओर आ रहा है। इसको हम एक योग्स में इन्वर्जन मानते हैं, और इन्वर्जन का मतलब जहाँ भी जो ब्लड फ्लो है हमारी हार्ट की ओर आ रहा है, और यहाँ पे वो हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है हमारी हार्ट की हेल्थ पे। तो आप जितने भी लंबे कंफर्टेबली इसको होल्ड कर सकें, आप होल्ड कर सकें। और ये ध्यान दें कि आपके पैर फेल नहीं रहे हैं इस साइड पे, पैर को आप स्क्वीज़ करें साथ में। हिप्स को अच्छी तरीके से होल्ड करिए, लंबी समय तक, जितना भी आपकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है। फिर आप नीचे आ जाएं। आप इसको एक और बार भी कर सकते हैं, तीन बार तो बहुत ही अच्छा है। और अब अपने पैर को अपने छाती की ओर ले आएं और अपने पीठ को थोड़ा सा रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। फिर आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लें, अपने हाथ को बॉडी के नीचे, और यहाँ से अपने छाती को ऊपर करें, कोनियों को साथ में रखें और अच्छे से छाती को ऊपर करें और आराम से सिर को नीचे ले जाएं। यह है मत्स्य आसना, फिश पोज। योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, योग का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट आसन है। और यहाँ पूरा जो ब्लड फ्लो होता है छाती की ओर, आपकी छाती यहाँ पे बिल्कुल खुली हुई है। आपके अनाहत चक्र जो आपके हार्ट के पास होता है, उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये पूरा खुल जा रहा है, एनर्जी यहाँ पे अनट्रैप हो रही है। यहाँ पे लंबी गहरी सांस मत्स्यासन में, इसको आप होल्ड करे रहें। आंख बंद, चेहरा बिल्कुल कोमल, छाती पूरी खुली हुई, बहुत ही एक अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है। और यहाँ से और फिर आराम से नीचे आ जाएं और बस आप शवासन में आ जाएं और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करें। नंबर वन रीज़न हार्ट डिजीज़ की होती है स्ट्रेस। तो जब हम आसन करते हैं अपने सांस के साथ, जब हम रिलैक्सेशन करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए। और आप अब राइट साइड पे मुड़ें। आप जब आसन से उठते हैं तो आपको एक और आके ही करना है, या तो बॉडी को जर्क भी मिल सकता है। और आप आ जाएं अपने नीज पे। अब आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और आप यहाँ से अपने पैरों को फैलाएं, अच्छे से फैलाएं। अपने हाथ को आप सामने ले आएं और जितनी दूर आपके लेग्स जा सकते हैं उतना अच्छा। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच करें, छाती को खोलिए और महसूस करिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। योग के सब आसन हमको धीरे से करने हैं, माइंडफुलनेस के साथ करने हैं। हाथ को ऊपर ले जाएं और फिर आप आराम से इनको नीचे ले जाएं। आप ये कोशिश करिए कि आपका माथा नीचे टिके, और यहाँ पे लंबी गहरी सांस शशांक आसन में। यहाँ पे भी सर्कुलेशन हो रहा है, जो सब ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के ओर हो रहा है। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हर चीज़ एक वर्कआउट के लिए हम लोग करते हैं आजकल, पर याद रखें कि एक वर्क इन भी होता है, जहां हम अपने ऑर्गन्स को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आसन में जितना लंबे समय
आपको कंफर्टेबल रहता है आपको रुकना चाहिए और फिर अपने हाथ को वापस ले आए, आराम से बैठ जाए एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में। इसको हम योग में बोलते हैं सुख आसन। आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट को मजबूत बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। इसको आप ध्यान से सुने। गिलोय जो होती है वो एक सुपर फूड होता है। गिलोय जो है भारत में सिर्फ उगती है और ये एक मैजिकल जड़ी बूटी है। अगर आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है आप रोज़ सुबह गिलोय गर्म पानी के साथ लें और गिलोय में आपका इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों अच्छा होगा। जो नस की शक्ति होती है और जो आपकी मसल की शक्ति है दोनों, और यही होती है गिलोय की खास बात। तो इसको रोज़ आप अगर लेंगे तो आपका बीपी चेक पे रहेगा, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ चेक पे रहेगी। ख़ास तौर अगर आपकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है तो फिर आपको गिलोय तो लेनी ही चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और अब हम मिलेंगे अगली बार योग के नए अध्याय के साथ।